विश्वकर्मा आप देख रहे हैं राइट इनसाइड न्यूज। आगामी निकाय चुनाव को लेकर वार्ड 66 के तृणमूल उम्मीदवार अशोक पासवान ने क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वार्ड नंबर 66 के कलाली रोड दासपाड़ा में सड़क तथा नाली के कार्यों का जायजा लिया। इसके अलावे मुरली नगर में पानी की समस्या का भी निरीक्षण किया। हालांकि मुरली नगर में पीने की पानी के लिए लोगों के घरों में कनेक्शन दिया गया है, लेकिन कई घर ऐसे भी हैं जिन्हें पीने का पानी का कनेक्शन अभी तक नहीं मिला है। उन सभी से बातचीत करते हुए समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा ऊपर धौड़ा का भी निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर टीएमसी उम्मीदवार अशोक पासवान ने बताया कि टीएमसी के शासनकाल में नगर निगम द्वारा पूरे इलाके में विकास कार्य किया गया है, जिस कारण यहां के लोग टीएमसी के समर्थन में खुलकर खड़े हैं। इस अवसर पर उनके साथ शेरू, राकेश पांडे, अंकुश मंडल, हेमंत प्रताप सिंह, राहुल कुमार, राजेश पासवान, पूरन रविदास सहित अन्य लोग शामिल थे। आसपास में गंदगी फैला हुआ रहता है, सफाई नहीं हो रहा है। और हम लोग का सबसे ऊपर थोड़ा बलतुरिया जो बोला जाए, पानी कनेक्शन जो 4 इंची बैठा हुआ है उसमें घर में कनेक्शन तो हुआ ही नहीं है। मुरली नगर में कनेक्शन कंप्लीट है, 15-20 घर बाकी है, लेकिन हम आने वाला दिन सबसे पहले ड्रेन पानी और जो कमी है उस चीज़ को पूरा करें।